अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। सही कह रहे, आज भी हमारे बच्चे पढ़ते ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। जी 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 जी। आला हजरत फरमाने लगे पागल हो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी, रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। इसी तरीके से कुरान हकीम में जो आया कि हमने पहाड़ों को मेखे बनाया है कि जमीन डोले ना, तो वो जमीन को बैलेंस करने के लिए डायनेमिक बैलेंसिंग है उसकी। जैसे आप कभी व्हील की बैलेंसिंग करवाते हैं तो वेट ऐड करते हैं, कोई चीज़ घूम रही हो ना तो उसमें बहुत तेज़ी से इरताश पैदा होता है, अगर ज़रा सी भी वो इम्बैलेंस हो तो वो बैलेंस करते हैं वेट ऐड करके। तो ज़मीन पे ये वेट्स मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह ताला ने ऐड किए हैं पहाड़ों की शक्ल में, इसकी डायनेमिक बैलेंसिंग है ना कि स्टैटिक बैलेंसिंग। हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे? आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साके ने। शुक्र है अंग्रेजा नु पश्तो नहीं आंदी या उर्दू नहीं आंदी और तुहानू जेड़ी है अंग्रेजी नहीं आंदी। और 521 दलाइल दिए, झूठ जाए लिखो जो मर्जी नाल ब्रैकटा विच कहानियां बढ़ाओ। कुरान की आयात भी अहदीस भी और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में आए सदके। तो मुतासर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासर होते। मनहूस आदमी। फिर साइंसदानों ने कहा आला हजरत के जमाने में कि कश से शकल है। समझा तो पा रहा हूँ ना मैं आपको अपनी बातें? नहीं। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश से शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। Okay. ये नजरिया कब बना? तनु नहीं पता। एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया, अमरूद टूटा है तो वो भी जमीन पे आया, अनार टूटा है तो वो भी जमीन पे आया। तो कहने लगा जमीन में कशश है, हर शय को खींचती है, और कश्य शक्ल का नजरिया बन गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए। ऐसे कुत्तों से जान छुड़ाई जाए जो पागल हो चुके हैं। अच्छा, साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। इन लोगों का यानी ज़ेहन की पस्ती का लेवल। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया, और गुब्बारे में डेढ़ छटाक हवा भर दिया, वो जमीन से खींचा नहीं गया, मैजिक, वो ऊपर उड़ गया है। फरमाने लगे ये कैसा कश्य शकल है, डेढ़ छटाक हवा होती है ना गुब्बारे में, तो आंदे से मौलवी दी अकल पूरी जी होती है, वो जमीन से खींचा। आला हज़रत फरमाने लगे असल कश्य शकल नहीं, असल बात यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है तो गुब्बारा उसे ऊपर ले गया, अनार सेब अमरूद जमीन से पैदा हुए थे तो वापस जमीन पे आ गए। और मैं ऐसी कहता हूँ शुक्र है हमारे उलमा के लेक्चर्स अंग्रेजी में नहीं है, वरना कोई चार गोरे डे कलमा भी पढ़ रहे ना वो कहेंगे यार ये सारा फ्रॉड ही है। तो मेहरबानी करो अंग्रेजी सीखियो भी ना, यही कहते रहो कि अंग्रेजा की जुबान है, खुदा का ना सीखना वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी इस्लाम के लिए।